आ रहा है ना। दिया था जिसमें पूरे कश्मीर की टीमें खेली थी और उस बात का सारा उस के जीरो से 1900 डिवीजन जल हसनैन का समझा जाता है जिन्होंने उस वक्त से इसकी पहल की और उसके बाद जब वो पूर्व में आए तो उसका जो केपीओ का प्रोग्राम हुए श्रीनगर में हुए श्रीनगर में हमारे पास जो टैलेंट है और ये हमारा पार्टी है कि हम यहाँ पे अपने टैलेंट को देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आज यहाँ बारामूला में एक बारामूला प्रीमियर लीग के नाम से एक जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज इनॉग्रेट हुआ है, जैसा आप जानते हैं कि ये 46RR की जानिब से होता है, पिछले 10-12 साल से जो कंटिन्यू जो चल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ का आर्मी का जो रोल रहा है यहाँ की यूथ को एक प्लेटफॉर्म देने की, उनकी एनर्जी को एक चैनलाइज करने की, मुझे लगता है कि आर्मी का उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है, ना कि सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट्स में, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनका जो रोल रहा है, मुझे लगता है वो शाना बशाना यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका एक जो मोटिव रहा है यहाँ की यूथ जो है, उनकी एनर्जी, उनकी जो माइंड सेटअप है, उसको कहीं अच्छी दिशा में लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो या हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम अपने यूथ को एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं। तो मुझे लगता है जो आज ये बारामूला प्रीमियर लीग के नाम से जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है, हम ये उम्मीद लगाए हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आज पहली बार जो हमारे बारामूला में फ़र्स्ट टाइम इट इज़ हिस्ट्री के नॉर्थ कश्मीर में सिर्फ यहाँ पर टर्फ जो है क्रिकेट श्रीनगर में है,
लेकिन बारामूला में जो टर्फ पे हम आज बारामूला प्रीमियर लीग जो खिला रहे हैं, इसमें से हमारे पास एक यंग गन्स जो निकलेंगे वो हमारे स्टेट को नहीं, बल्कि हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इंडिया टीम में हो या हमारे IPL जो टूर्नामेंट हाई लेवल पे हो रहे हैं, तो उन ऐसे खिलाड़ी हमारे पास आए ताकि उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज करें, उनके माइंडसेट को हम ये दिशा दें कि सही क्या है गलत क्या है। हमारा जो यूथ भटका हुआ यूथ जो है, देखिए आपको मालूम है कि मैं आज के दिन पे ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसके लिए भी हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल में हो या अभी स्टेट हमारे UT में हो, उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कहीं ना कहीं से कोई रोज़गार का पैकेज, कहीं ना कहीं कोई अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी यहाँ पे J&K में जो है उसको हम कम करने में कैसे हमारा रोल रहेगा। मुझे लगता है आज के दिन पे, क्योंकि ये सब जो है एक यूथ का एक सिलसिला है, तो मुझे लगता है कि हमारा यूथ अगर इनके पास अच्छी रोज़गार होगा, अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो यूथ है किसी गलत दिशा में जाएगा। KPL चूँकि आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, 10-15 साल, उस वक्त के कोर कमांडर ने इसका फैसला लिया था, हमने ही उस वक्त सबमिट किया था कि हम पहले डिस्ट्रिक्टों में इसका करेंगे और उसके बाद KPL होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसका टूर्नामेंट हुआ था और बारामूला में BPL हमने करवाया था। तो उसके बाद जब KPL हुआ, बड़ा शानदार तरीके में हुआ, बीच में कुछ मामलात की वजह से KPL रुक गया था, लेकिन बारामूला में BPL 46 RR या 19 इन्फेंट्री डिवीजन या 90 आर्टी ब्रिगेड के लोग रेगुलरली करवाते रहे। और इनका मुद्दा व मकसद ये है कि यहाँ के टैलेंट को ज़रा उभारें, क्योंकि टैलेंट बहुत है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इनको उभारने की ज़रूरत है। और 46 RR ने इनको उभारने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे हमारे नौजवानों को जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं बहुत बूस्ट मिलता है। और ये सिर्फ BPL ही नहीं, बाकी टूर्नामेंट्स भी यहाँ कराते हैं। फिलहाल तो आज BPL शुरू हुआ, जो हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छी बात है। और इसके बाद KPL हो रहा है, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी एक टीम जाएगी, जिसके लिए जिससे यहाँ के नौजवानों को बहुत बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार है 46 RR के, जिन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कश्मीर प्रीमियर लीग अंडर द बैन ऑफ बारामूला क्रिकेट फॉर्म। और उसके बाद हम शुक्रगुजार है बारामूला क्रिकेट फॉर्म के भी, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है क्वालिटी क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट इंट्रोड्यूस की है, ताकि जो है यंग जो है लड़के हैं वो इसमें एक्टिविटी में पार्ट लें, डिस्पाइट के ड्रग्स उनसे फ्री रहे। सो अच्छा इनिशिएटिव है, तो वेलकम करना चाहूँगा इस इनिशिएटिव को, ताकि बारामूला के जो यूथ है वो एंगेज हो जाए इसी एक्टिविटीज़ में। देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन चीज़ों से दूर रखती है, ड्रग्स से। तो मैं सबसे यंगस्टर से अपील करता हूँ कि आइए इन टीमों में पार्टिसिपेट कीजिए, इस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कीजिए, आपका फ्यूचर भी है। आप देख सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर बन रहा है इस टाइम क्रिकेट में भी, तो आप इन चीज़ों में एक्टिविटी पार्ट लीजिए, अपना टैलेंट शो कीजिए, और इंशाल्लाह आप दिन दूर नहीं है कि आप बड़े बड़े खिलाड़ी देखेंगे बारामूला से भी निकलते हुए।